धुना जिसने नहीं उधार दिया उसके पास गया, साला तू उधार नहीं दिया कम से कम ये तो कर। ढूंढे लोग मिले, लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत लोग हैं। ये बात सही है, जैसे सर ने कहा इनके टीम में दो एनडीसी जिनको ये जानते नहीं है, मेरे टीम में जितने एनडीसी साला मैं किसी को नहीं जानता था। जानने वाले तो आई नहीं, 10 रुपए जेल में लेके वड़ा पाव खा। सलीम सर बेटे एग्जाम्पल है, सर देखे होंगे उस वक्त, सर एग्जाम्पल है, कई सालों से जानता हूं। आलोक सर एग्जाम्पल है, हमें कई सालों से देखे, लोकल ट्रेन में घूमते थे तब से सर देख रहे, कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास, ये सबूत है, ये लोग ऐसे नहीं कि स्टोरी बना रहा। 10 रुपए में एक वड़ा दो पाव, जो मुंबई गए अच्छी तरह जानते, मुंबई की खाना ही वही है, खाना ही वही है। ये लाइफ थी मेरी, प्रॉब्लम थे लेकिन गोल था, सोल्यूशन मिला। आपके लीडर, आपके ये सीनियर से आपके सोल्यूशन है, जाओ तो उनके पास। हम जाते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है इनको, मानना पड़ेगा। और जब मैंने उस सोल्यूशन को माना, उनकी एक एक बात को माना, मेरी दुनिया बदलने लगी और कामयाबी मिलने लगी मुझे। कामयाब बनने के लिए विजुअलाइज करना पड़ता है, इमेजिनेशन, ये आपको देखना पड़ता है, ये होगा कल, ये मेरे भी लाइफ में होगा। मुझे भी कईयों ने ना बोला, मैंने बोला यस सर ठीक है, आप बोलते नहीं होगा ना, एक दिन कल होगा देखना। ये विजुअलाइज करिए आपकी जिंदगी, आज आप क्या हो, आज 2017 है, आपकी आज की लाइफ, चाहे उससे खुश हो, चाहे दुख हो, चाहे कर्जे में हो, चाहे प्लस में हो, जो भी कुछ वजह है आज की, ये क्यों है पता है? क्यों है? 5 साल पीछे मुड़ के देखो आप, 2012, 2013, 2014, 2015 में, 2016 में जो आपने किया उसका नतीजा 2017 है, और आज जो करोगे ये आपको आने वाले 2-4 सालों के बाद मिलेगा। 2017 में आज जो करोगे वो आपको 2020-22 में दिखेगा। आज जो करते हो उसका विजन कुछ दिनों के बाद दिखता है, आज नहीं समझता है आपको, कुछ दिनों के बाद ये आपको समझेगा। 2013 में जब माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत हुई, हम सब लोग इसके साथ एसोसिएट हुए, 2013 में हमारी ये नई सिस्टम ने जब काम करना चालू किया, एक विश्वास किए कि यहां से ऐसा होगा। और इस सिस्टम के साथ हम जब एसोसिएट हुए, मैं मेरे सारे लीडर्स, ये सोच क्या है कि माई लाइफ स्टाइल में सचमुच हमारी दुनिया बदलेगी, और बहुत बड़ा बदलाव हुआ हमारे लाइफ में। और ये आपको जब आज आप देखोगे 2020 मेरी जिंदगी ऐसी होगी तो आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। आज आपको देखना पड़ेगा 2020 को, आज आपको देखना पड़ेगा 2025 को, आज आपको देखना पड़ेगा 2030 को, मैं 2025 में कैसे होऊंगा, मेरी फैमिली कैसे होगी, ये आज आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसको बोलते विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कैसा होगा। आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की नाम तक नहीं थी, और आज दिल्ली सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसके लिए, मेट्रो, अभी बुलेट ट्रेन आ रही है। आज क्या है ये बुलेट ट्रेन बात हो रही है, विजुअलाइजेशन है। जब कुछ साल के बाद जब वो दौड़ने लगेगी तब वो क्या होगी, हकीकत। दुनिया में हर चीज दो बार होती है, एक बार आपके दिमाग में, एक बार हकीकत में। आज अगर आपके दिमाग में गया कि 2025 तक मैं अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर चुका हूंगा, मैं अपने गांव का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूंगा, तो 2025 में आप बनोगे। अगर आज नहीं देखोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि होगा। मैंने देखा मेरा एक बेहतरीन बिजनेस होगा, भले मैं इतने बिजनेस में फेल हुआ लेकिन यहां पे मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, मैं अपना बिजनेस का मालिक होऊंगा। मैंने देखा वो सपना, मैंने देखा अपने बच्चों के लिए मैं एक एजुकेशन फंड बनाऊंगा, और आज मैंने अपने बच्चों के लिए लाखों में नहीं करोड़ों के फंड बनाया हूं। मैंने देखा एक सपना, मेरा ड्रीम होम, आज मेरे मुंबई में ठाणे के पास 19 फ्लोर पे, ये मेरी सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स का फोटो है, उस 19 फ्लोर पे मेरा घर है, 1600-1650 स्क्वायर फीट का, 19वें फ्लोर पे मैं रहता हूँ, आज मेरा ड्रीम होम, जिसके केवल इंटीरियर के लिए मैंने 60-65 लाख रुपए खर्च किए,
इस घर के लिए, ये मेरी ड्रीम कार पोर्शे कायनी। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही सिलेक्टेड कार्स है ये, कुछ टॉप सेलिब्रिटीज और टॉप पॉलिटिशियन लोगों के पास कार है जिसकी कीमत है 1,52,00,000 रुपए। मैं कभी नहीं सोचा था मेरे लाइफ में ये दिन आएगा यार। मैं तो पूरी बिजनेस मुंबई की लोकल ट्रेन, आप देखोगे मुंबई की लोकल ट्रेन, कितने लोग मुंबई की लोकल ट्रेन देखे हो, सब जाके आए हो लगता है, आए वहां। आप अपने आप अंदर जाते हो, अपने आप बाहर आते हो, केवल आपको पोजीशन समझ में आनी चाहिए कहाँ खड़ा रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस बिल्कुल, एफर्ट भी नहीं करना है, लोग ही आपको डालते निकालते। सही है, देखा है ना, सही है, देखा या नहीं देखा। और जो नए लोग हैं वो तो हमेशा गलती कर देते, अगर उसको उतरना है कांडी वाली तो पहुंच गया बोरी वाली। सही है, जो नहीं जानता, मैंने पूरा बिजनेस उसमें किया यार, बीएसटी की बस, और उसमें मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। ये तो बहुत बाद में ली, मेरी पहली कार मैंने खरीदी स्कोडा, और जब मैं घर पे ले गया स्कोडा मैंने बताया भी नहीं, मैं गया था छोटी कार लेने। वो भी एक बड़ी हकीकत आपको बताता हूँ, जब शोरूम में गया मैंने अपने ग्रेट मेंटर को फोन किया, सर एक शोरूम में आया हूँ। बोले कौन सी कार ले रहा हूँ? सर मारुति। पागल है क्या यार, तू अब अच्छा कमा रहा है, अभी कर्जे से भी बाहर आ चुका है। पहले तो बोलता था सर कर्जा खत्म हो जाएगा तब कुछ करूंगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में बताया जाता ना गाड़ी लो ये लो, मैंने कभी नहीं ली, टू व्हीलर तक नहीं ली। हमें तो क्यों नहीं लेता, अब तो कमा रहा है ना। सर कर्जे वाले गाली देते सर, साला गाड़ी ले, अभी साला हमारे पैसे से तू गाड़ी में घूमता है, शर्म आती कि नहीं आती? और सबसे बड़ा मेरा बाप बेटा वो गाली देगा, साला दुनिया का खाके गाड़ी लेके घूमता है तू। वो बहुत सिंपल आदमी है, उनको एक ही पता है घर पे कोई आना नहीं चाहिए। अब अपना उल्टा आ जा, ढूंढ ले, ढूंढ सकता है तू, क्योंकि मैं मिलता ही नहीं था, एकदम उल्टा था। बोले कुछ बड़ी गाड़ी के बारे में सोचना जब लेने गया तो। वैसे भी जिंदगी में आज तक कुछ बड़ा किया नहीं यार, चलो करता हूं। मैं स्कोडा के शोरूम में गया, उन्होंने सजेस्ट किया स्कोडा देख तू, अपने को तो इतना गाड़ियों का कल क्रेज ही नहीं था, स्कोडा देख तू, और लोन में तो मास्टर था ही मैं। चलो फाइल भी अच्छी थी, कभी लॉस तो था ही नहीं अपने फाइल में। दो तीन चीजों का याद रखो, लोन लेना है तो आपको कभी किसी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मत रखना, कभी चेक मत बाउंस करना, अपना अकाउंट क्लियर रखना, और दूसरे ढोल जाता हो दिखाना ही नहीं। आजकल तो सब लिंक होंगे दिख जाते, पहले तो दिखते नहीं, ढोल झाल वाला अकाउंट अलग अकाउंट, अच्छा अकाउंट ये है मेरा। बहुत सारे पापड़ वेले लाइक है, स्कोडा खरीद के लेके आया, जब घर में गया तेरी गाड़ी है? मेरी है, क्यों कर्जे में? नहीं इस बार बैंक का लिया हूं। अभी तो सुधरता क्यों नहीं है मैं? क्या जरूरत है कब्जे की गाड़ी है घूमने का? नहीं नहीं हमारे धंधे में दिखाना पड़ता आदमी कमा रहा है क्या। ये मेरा लीडर बोलते गाड़ी लो, दो साल के बाद मैंने लिया, अब बोलो मत ले लिया, पेड़ा खाओ। पेड़ा भी नहीं खाए, घर वाले इतने गुस्से में थे, साला वापस तू कब्जे में, कितना कर्जा लिया है? होगा स्कोडा की कीमत थी 12,00,000, डाउन पेमेंट 1,00,000 ही दिया था। अपन तो कम से कम डाउन पेमेंट ढूंढते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोन, वापस 11,00,000 का तू सुधरेगा नहीं है तू। साला पहले पता नहीं क्या किया, अभी ये गाड़ी लेके आया, क्या जरूरत थी? छोटी नहीं थी, टू व्हीलर ले लिया होता, बाइक ले लिया होता। बोला नहीं हमारे धंधे में बोलते बड़ा दिखाओ बड़ा, इसके लिए ये ले ली। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी नहीं ली, और ली तो डायरेक्ट ये ली। ये ड्रीम आपको दिखना चाहिए, मेरी कार ज्वेलरी। आज इतने ज्वेलर सब लॉकर में, साले पंती नहीं लो, बच्चों की शादी के लिए प्लान करना पड़ेगा, आज आपको दिखेगा। अगर आपकी बेटी की शादी 5 साल बाद है, आज सोचना पड़ेगा, तब 5 साल बाद उसकी अच्छी शादी करा सकते हो, आज सोचना पड़ेगा। आपको जमीन लेनी फार्म के लिए, खेती के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, इस एज में चले गए तो ऐसे हो गए तो कौन देगा, कौन देगा?
हमारी लाइफ क्यों देगी, बुढ़ापा पेंशन फंड चलाते हैं, हमारी लाइफ देगी आओ ले जाओ यहाँ से। कौन देगा? सच बताओ, अच्छा एक चीज बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों को अपने बच्चों पे विश्वास है? विश्वास है सर, बुढ़ापे में सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, कितने लोगों को है? आपको है सर, ये सतयुग नहीं है।